नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट बैंक के जॉब के बारे में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप ग्रेजुएट हो और आपको उम्र अड़तीस साल से कम है तो इस वीडियो को जो है आप कंप्लीट तक देखते रहना और यदि आपका उम्र जो है आठ साल से ज़्यादा है या आप ग्रेजुएट नहीं हो अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो ठीक है तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वालिफिकेशन मेंशन करना और आपका लोकेशन मेंशन कर देना ताकि नेक्स्ट जो जॉब है वो मैं आपके लिए लेकर के आ सकूं ठीक है आज जो जॉब है ये बैंक का बैंक जॉब है और ये गवर्नमेंट बैंक के जॉब के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ठीक है पूरे डिटेल में हम इस वीडियो में जानकारी आपको बताएंगे और आगे की जानकारी देने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने में जितने भी जॉब नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक मिले तो देखिए दोस्तों ये जो जॉब है ये आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आपको ये जो जॉब है ये निकल के आए हैं और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूँ कि जैसे मैंने इससे पहले बताया कि ग्रेजुएट जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है वो ग्रेजुएट मांगा गया है और ये रिसेंटली फेब्रुवरी में ही जो है आपको ये नोटिफिकेशन निकल के आए हैं आपको यहाँ पे पोजीशन क्या मिलेगा तो दोस्तों पोजीशन आपको यहाँ पे मिलेगा या आपको जर्नलिस्ट ऑफिसर का पोजीशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो कि अगर बात करें एज लिमिट के बारे में तो एज लिमिट है यहाँ पे 25 से लेकर के 38 इयर्स के अंदर आपको एज लिमिट होना चाहिए और अगर क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको बता दिया है ग्रेजुएट ग्रेजुएट के अलावा सी या सी या सी एफ एप के पास है तो बिल्कुल आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में होता क्या है दोस्तों आपको यहाँ पर कैस्ट भी देखते हैं तो, तो यहाँ पे जो कैस्ट है वो हमारे पास अविषो कर रहा है यू आर यानी कि आन रिजर्व उसके बाद दोस्तों ई डब्ल्यू एस ओ बी सी और एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी और वुमेन जो कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं साथ साथ दोस्तों तो यहाँ पे वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो फाइव हंड्रेड वैकेंसी निकल के आए हैं अगर लास्ट डेट की बात करें दोस्तों यहाँ पर आपको लास्ट डेट है बाईस फेबरुअरी दो हज़ार बाईस से पहले जो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर लीजिएगा दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में दोस्तों सैलरी तो बहुत होता है यहाँ पर सैलरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों फोर्टी एट थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी रुपीज़ से लेकर के सेवेंटी एट थाउजेंड टू थर्टी रुपीज़ जो है यहाँ पे आपको मिलने वाला है सेम uh, आपको जॉब जॉब लोकेशन से वो आपको महाराष्ट्र में ही लोकेशन रहेगा दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट और एक बात है इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस आपको कितना देना पड़ेगा तो एप्लीकेशन फ़ीस है दोस्तों यहाँ पे आपको अनरिजर्व के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे जो है अनरिजर्व रिजर्व ई और ओ कैंडिडेट के लिए वन थाउजेंड वन हंड्रेड एप्लीकेशन चार्जेस है वन एट्टी रुपीज़ जो है इसका जो जीएसटी वगैरह लगाते हैं उसका होगा ठीक है दोस्तों अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर दूसरे एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए तो उनके लिए वन हंड्रेड एटीन रुपीज़ है और पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए वुमेंस कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं है साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपको जो है कौन कौन से कैस्ट के लिए कितने सारे पोस्ट निकल के आए हैं तो जो एस सी कैंडिडेट्स है उनके लिए दो सेवेंटी फाइव पोस्ट निकल के आते हैं जो एस टी कैंडिडेट है ठीक है, है उनके लिए दोस्तों सौ थर्टी सेवन है और जो ओ बी सी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वन हंड्रेड थर्टी सेवन पोस्ट है और जो ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट्स है उनके लिए फिफ्टी पोस्ट है ठीक है ऐसे ही आन रिजर्व कैटेगरी के लिए दोस्तों फिफ्टी पोस्ट है कुल मिलाकर फाइव हंड्रेड पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है तो जाइए दोस्तों इसका सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ पर जाके आप इसका चेकआउट कर सकते हो और इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो अप्लाई करने के दौरान दोस्तों यदि आप के मन में कोई भी सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है साथ साथ दोस्तों आपको जो है सुविधा के लिए व्हाट्सअप टेलीग्राम लिंक इन सभी का जो लिंक है सोशल मीडिया का मैंने नीचे दे दिया है वहाँ पर जाके आप हमसे वन टू एन कम्युनिकेशन कर सकते हो तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद